talking about bad conditions of work, the electricity workers have staged a protest against their own SDO. Now, these conditions have prevailed after the various electricity workers have not been getting basic facilities, whether it is a proper office, it is talking about coolers, air conditioners, or even internet service and workstations, computers to work on. The basic facilities are missing from the offices, and hence the electricity workers have said that till the time they get these proper facilities to work, they are going to keep the strike on, and in case their demands are not met, this could turn into an indefinite strike too. With the current prevailing situation, the common man is most to suffer over here, because unless and until the electricity workers get back from their strike on work, it is going to be difficult for the common man to deal with electricity and power issues. हमारी 8 समस्याएं एसटी साहब के संज्ञान में लाए थे हम 16/6 को. एक तो हमारा सबसे मेन था कि महिलाओं के शौचालय के लिए ऑफिस में फर्नीचर नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, और जब छुट्टी के वर्क में भी टाइम में भी ये कर्मचारियों को बुलाते हैं, उसके बारे में हमने टोटली 8 समस्याओं से अवगत करा था. कुछ क्यूआर का मामला है हमारा, QR हमारी 2-3 साथियों की गलत लिख दी, कुछ लिखने में देरी करी, गलत कमेंट्स दिए, इनके बारे में हमने किया था. 16/6 को हमने लिखित में एक रिमाइंडर लिखित में हमने दिया था. फिर उसके बाद में हमारे से कोई मीटिंग बातचीत नहीं हुई. 21/6 को फिर हमने दोबारा रिमाइंडर दिया. 28/6 को हमारी फिर हमारे साथियों ने बगैर बुलाए हमारे यूनियन के साथियों ने बात करी. SDO साहब ने बड़ा अर्डियल रवैये से कोई हमारे साथियों के साथ अच्छे से बात नहीं करी. SDO साहब को हमारी यूनियन ने कई बार रिटर्न में लेटर दिया, कई बार इनसे वर्बली बात करी, उसके बावजूद भी SDO साहब अपना जो अड़ियल रवैया है, जो कर्मचारियों के प्रति तानाशाही इन्होंने अख्तियार कर रखी है, वो रास्ता बिल्कुल नहीं छोड़ रहे. क्योंकि SDO साहब से पीछे हमने मौखिक तौर पर बात करी, इन्होंने कई बातों का हमें आश्वासन दिया कि हम आपके ये काम कर देंगे, उसके बावजूद भी SDO महोदय ने कभी भी उन चीज़ों का ना तो मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी किए, ना उनका कोई लेटर जारी किया. हमारी जो लेडीज हैं वो बेचारियों को शनिवार भी बुलाया जाता है बिना ऑफिस ऑर्डर के. मूलभूत सुविधाएं की बात करें तो मूलभूत सुविधाओं में हमारा जो टेक्निकल कर्मचारी है उसके पास ना तो बरसाती है, ना TNP है, ना कुछ और है. और हमारे दफ्तर की बात करें तो हमारे पास ना तो प्रॉपर हमारा सॉफ्टवेयर चलता, ना हमारे पास प्रॉपर कंप्यूटर है, ना हमारे पास प्रॉपर प्रिंटर हैं, जबकि हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है. और जबकि दफ्तर की जो आधारभूत सुविधाएँ हैं, अब जाकर अंदर देखेंगे दफ्तर में पूरी बैठने की कुर्सियाँ हैं, ना कोई टेबलें हैं कुर्सी बैठने की, कर्मचारी कहाँ खड़े होकर काम करेंगे. इस चीज़ों का जब इन चीज़ों के बारे में SDO साहब को नोटिस में डालते हैं तो वो उस चीज़ को डिनाई करते हैं. देखो, कर्मचारी कभी भी कार्य बंद करना नहीं चाहता. अधिकारियों को लिखित तौर पर दिया हुआ है, उन्होंने बुलाया नहीं. जिस काम पे सहमति बनी वो उन्होंने कोई भी काम नहीं किया, ना लिखित में दिया, ना मिनट्स ऑफ मीटिंग भी नहीं जारी किए गए. और जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे TNP की है, या और भी जो अपने क्या नाम है बारिश का समय है, बरसाती वगैरह है, वो भी अपने क्या नाम है नहीं दी हुई है. जब बेसिक चीज़ें ही नहीं होगी एम्प्लॉई के पास, वो काम कैसे करेगा. हमने इनको लिखित में दिया हुआ है, अगर हमारे किसी कर्मचारी के साथ कोई भी हादसा होता है तो उसकी पूरी जिम्मेवारी SDO की और ऊपर मैनेजमेंट की होगी. इतना गर्मी में परेशान है, खड़े हैं, तो सब परेशानी के जरिए है. और क्या लोगों का मांग है अब हमको क्या पता है. अरे हमारा सुचारू रूप से काम हो सही ढंग से. हम 2 घंटा से खड़े हैं यहाँ पर, सब लोग बाहर में अपना मीटिंग करके बैठे हुए हैं, अपना जो भी मांग हो.